Subscribe now for all the latest and trending updates. पवित्र पुनिया ने अपने एविक्शन से लेकर अली गोनी और जैस्मिन बसीन के रिश्ते के अलावा अली के साथ टूटी हुई दोस्ती पर भी हाल ही में बात की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने बताते हैं आपको, लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दें। पवित्र पुनिया अली गोनी और जैस्मिन बसीन के रिश्ते पर सवाल उठाती हुई नज़र आई और उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा, अगर वो चाहती तो उनके तथाकथित दोस्ती का पर्दाफाश कर सकती थी, वो उनकी दोस्ती के पीछे की असलियत को सबके सामने ला सकती थी कि कैसे दोनों गेम खेल रहे हैं और कुछ भी नहीं है। पवित्र पुनिया ने ये तो कह दिया कि अब वो अली गोनी के साथ दोस्ती नहीं रखना चाहती। वो ये बोलती हुई नजर आई कि अगर एक इंसान एक लड़की की बातों में आकर दूसरे दोस्त के साथ कुछ गलत कर सकता है तो फिर वो इंसान मेरी दोस्ती के लायक नहीं है। अली के लिए सिर्फ जैस्मिन और उसके परिवार की महिला दोस्त ही अच्छी और शरीफ है, बाकी नीच और घटिया है। अली सिर्फ उन्हीं की इज्जत करते हैं, बाकी तो कोई किसी की बेटी, बीवी या फिर बहन कुछ भी नहीं है। पवित्र पुनिया अली और जैस्मिन को मदारी और जमूरे की जोड़ी भी कहती हुई नजर आई। उन्होंने कहा कि अभी हम जिस जैस्मिन को देख रहे हैं वो उनकी असली पर्सनैलिटी है, बल्कि जब मैं बिग बॉस के घर में जा रही थी तो तीनों सीनियर सिद्धार्थ, गौहर और हीना ने मुझे जैस्मिन को जज करने के लिए कहा था तो मैंने जैस्मिन को चालू बताया था और मेरा ये अनुमान सही था। मैं पहले दिन से ही उसकी असलियत बाहर आने का इंतज़ार कर रही थी। मैं अक्सर घर के अंदर कहती थी कि ये ईड़ा बनकर पेड़ा खाती है। शुक्र है कि उसकी असलियत, उसका असली चेहरा बाहर आ गया। अली गोनी और जैस्मिन की जोड़ी मदारी और जमूरे की जोड़ी जैसी है। जी हाँ, ये बयान थे पवित्र पुनिया के जैस्मिन और अली पर। आप क्या कहना चाहेंगे इन सब पर, हमें नीचे कमेंट सेक्शन के जरिए अपनी राय जरूर बताएं और ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़ रही हमारे चैनल इन ट्रेंड न्यूज़ के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब नाउ फॉर ऑल द लेटेस्ट एंड ट्रेंडिंग अपडेट्स।